सो दिस मींस के अगेन हमारी बैटिंग जो है वो शैम्बल्स ही है, चाहे वो बाबर आजम थे। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, भयानक दौर है पाकिस्तान क्रिकेट का, ये शुरू हुआ है एशिया कप से शुरू हुआ है, जब इंडिया के ऊपर से आउट करने के बाद हम ढेर हुए, हार गए, बुरी तरह से हार गए, उसके बाद से आज तक टीम संभली नहीं। पाकिस्तान ने जो इस टेस्ट मैच में फ्रंट लाइन के बॉलर्स खिलाए हैं उनका सम टोटल टेस्ट मैच मिला के एक्सपीरियंस 16 टेस्ट मैचेस का, मगर कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश के स्पिनर्स छा गए। इंडिया की तरफ आ जाए, इंडिया क्या करता है कि जब इंडिया जब मैचेस जीतता है तो कितने बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं जी क्या पिचेस बना दी इंडिया में, इतना बॉल ब्रेक होता है, ना बैट्समैनों से खेला जाता है ना कुछ, तो भाई अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक तो कप्तान फॉर्मर कप्तान शाकिबुल हसन और एक करंट कप्तान नजमुल हसन शांतू और मोमिनुल हक, अगर इस पट्टे से, ये वो पट्टा है जो पाकिस्तान का फेल हुआ, अगर इसी पट्टे से बांग्लादेश रन कर गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि मिडिल ऑर्डर वर्सेस मिडिल ऑर्डर में बांग्लादेश रावलपिंडी में आपकी बजा के निकल गया। इसी तरह चार कैच छोड़ दिए बांग्लादेश ने यार, मतलब आगा सलमान का भी 50 नहीं होता था। सो दिस मींस कि हमने सेकंड और थर्ड सेशन तो बहुत गंदा खेला, कोई कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं प्लेयर्स को। 274 भी देखें डर डर के ही किया ना हमने, दो में से दो मैच क्या बांग्लादेश जीत सकता है, अगर वो जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उनकी सीरीज होगी और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज ले बैठेगी कि वो गलती अब नहीं कर सकते। अगर हम सपोर्टिंग पिचेस बनाते रहे ना तो हम स्ट्रगल ही करते रहेंगे, दूसरे तो स्पिनर पे भी आउट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सुकून चाहिए कि यार फास्ट बॉलर पे रन करें, फास्ट बॉलर भी हमें मुश्किल में डाल रहा है, तो कैसे हम रन करेंगे, हम दूसरों को दे रहे हैं, हम प्रॉब्लम में ही आ जाएंगे, हम अपनी कंडीशंस में भी नहीं जीत पाएंगे। अब जो कांटा लगा वाला सीन है ना, कांटा लगा अच्छा बॉक्स ही बंगले के पीछे मेरा घंटे का किक तेरे झटके शैल टू पास दिस शैल टू, दिस मींस के अगेन हमारी बैटिंग जो है वो शैम्बल्स ही है, चाहे वो बाबर आजम थे। काफी टेस्ट मैचेस में चल रहा है, लंबी इनिंग्स हो नहीं रही हमारी, टेस्ट मैच एक सेशन का नाम नहीं है कि आपने 99 रन कर लिए और आगे चल के आप दूसरा सेशन भी ऐसे खेलेंगे, दूसरे सेशन में चार विकेटें और गिर गई, पांच आउट हो गए आपके। अब वाइड बॉल तो इतना खेल खेल के ना शॉर्ट सिलेक्शन पे शॉर्ट पे जा रहे हैं, कब रोकना है ये नहीं पता, कब मारना है ये भी नहीं पता। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, भयानक दौर है पाकिस्तान क्रिकेट का, ये शुरू हुआ है एशिया कप से शुरू हुआ है, जब इंडिया के ऊपर से आउट करने के बाद हम ढेर हुए, हार गए, बुरी तरह से हार गए, उसके बाद से आज तक टीम संभली नहीं। अब एशिया कप से आज हम पहले दिन पे आ जाते हैं, बैडली ट्रीट किया जा रहा है प्लेयर्स को, प्लेयर्स ने भी किया बैडली ट्रीट पहले, जो हमारे बोर्ड है ना वो ट्रीट सही नहीं कर रहा प्लेयर्स को, कोई कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं प्लेयर्स को। 274 भी देखें डर डर के ही किया ना हमने। इसी तरह चार कैच छोड़ दिए बांग्लादेश ने यार, मतलब आगा सलमान का भी 50 नहीं होता था। सो दिस मींस कि हमने सेकंड और थर्ड सेशन तो बहुत गंदा खेला। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग के अंदर पाकिस्तान ने जिस शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को पहली टेस्ट मैच के बाद, उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान शायद दूसरी इनिंग के अंदर दूसरे टेस्ट मैच में कोई शर्म खा लेगा, लेकिन दूसरे मैच के अंदर मेहदी हसन की जो बॉलिंग ऐसे, उसके बाद तस्कीर अहमद, ये दो खिलाड़ियों ने ऐसी जानदार बॉलिंग की है बांग्लादेश के बॉलर्स ने, जिसके बाद पूरी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान का होम ग्राउंड, पाकिस्तानी कंडीशंस, पाकिस्तान की पिचेस, तमाम तर सिचुएशन पाकिस्तान के हैंड में, उसके बावजूद पाकिस्तान की पूरी टीम 264 रन पर आउट हो गई। शुएब अख्तर का कहना है कि आज के दिन आज की इनिंग सबसे ज्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि पाकिस्तानी कंडीशन में एक अजनबी बॉलर आता है आके पाकिस्तान के होम ग्राउंड में खड़े होकर 5 विकेट निकालता है, तो ये यकीन मान ले ये बात बहुत शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत दर्दनाक मोड पर आ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने शदीद भरवीं का इजहार किया, पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आज के मैच में कोई भी बड़ा बल्लेबाज, बाबर आजम, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, ये तीन मंझे हुए बैट्समैन अपने आप को कहते हैं, लेकिन इन तीनों ने कोई भी स्ट्रगल नहीं की आज के मैच में, इन तीनों समेत पूरी टीम रेत की दीवार साबित हुई, इतनी सालिम बॉलिंग की है, सिर्फ टेस्ट मैच के पहले ही दिन पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम आउट हो गई। तनवीर अहमद कहना है
कि अगर पाकिस्तान टीम अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और अगर खुदा नखास्ता पाकिस्तान टीम किसी और होम टाउन में खेलती और पाकिस्तान के सामने जो ओपनर था वो ऑस्ट्रेलिया होता तो पाकिस्तान टीम टोटल 20 से 30 रन पर आउट होती क्योंकि पाकिस्तान टीम क्रिकेट में कोई भी जान बाकी नहीं है। बांग्लादेश के लिए उन्होंने तो आराम से खेला हमारे खिलाफ क्योंकि पहली इनिंग ही टेस्ट क्रिकेट है, दूसरी इनिंग तो है लेकिन पहली इनिंग पे फॉर्मेशन डल जाती है। बाबर का डिसमिसल देखें वो पीछे डिसाइड नहीं कर पाया एयर के अंदर नहीं डिसाइड कर पा रहे ना, स्पिनर पे एयर में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, शॉट सिलेक्शन गलत हो रही ना, आपको मैसेज गलत है, कन्वे गलत हो रहा है हाथों को। पाकिस्तान ने जो इस टेस्ट मैच में फ्रंट लाइन के बॉलर्स खिलाए हैं उनका सम टोटल टेस्ट मैच मिला के एक्सपीरियंस 16 टेस्ट मैचेस का, मगर कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश के स्पिनर्स छा गए। हालांकि इस पिच के ऊपर तस्कीन ने भी 3 आउट किए मगर जो डेंजर मैन बने वो मिराज बने, मेहदी हसन मिराज बहुत अच्छी बॉलिंग की क्योंकि थोड़ा सा स्पिन भी किया और एंगल के साथ गेंद को सीधा भी रखा और विकेटों को अटैक किया। सो दोनों एजेस जो है उन्होंने उस पर अटैक किया बल्लेबाजी, और पाकिस्तान की जो है प्रॉब्लम ही यही है कभी टॉप ऑर्डर चलता है तो मिडिल ऑर्डर कलैप्स हो जाता है, जब मिडिल ऑर्डर ठीक कर रहा होता है तो टॉप ऑर्डर जो है वो जल्दी आउट हो जाता है। जो नाहिद है उनके 150 किलोमीटर पे बॉल करते हैं और उससे फर्क पड़ता है क्योंकि आपका फुटबॉल जो है ना वो चैलेंज होता है ऐसी पिच पे अगर आप एक्सट्रीम, आपके पास पेस है मगर पाकिस्तान के पास एक्सट्रीम पेस है नहीं है। बाबर आजम ने कोशिश बहुत की, देखिए 31 रन 77 बॉल के ऊपर, सो विकेट पे ठहरने की कोशिश की उन्होंने मगर क्या है लेंथ को रीड नहीं कर सके, और ये होता है जब आपकी फॉर्म चली जाती है तो पहली चीज जो आप करते हैं कि लेंथ आपसे रीड नहीं होती, अगले गेंद को पीछे पिछले गेंद को आगे, और कुछ इसी ऐसे ही दिखा बाबर आजम का भी। और वही बात है कि जो फ्रंट फुट की बैटिंग है पाकिस्तान की जनरली वो कमजोर है, खास पे ड्राइव नहीं सीधी लगती है और फिर वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होते हैं और फिर इसी वजह से तिरछे बल्ले से खेलना पड़ जाता है गुड लेंथ वाले बॉल को क्योंकि सीधे बल्ले के साथ फ्रंट फुट पे रोकने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसी चक्कर में साउथ शकील आउट हुए, इसी चक्कर में एंड पे रिजवान भी आउट हुए और फिर टेल तो हमारी है ही नहीं, वो वैग ही नहीं करती है। सो पाकिस्तान को भी समझना है कि टेल के थ्रू आप अगर 10-15 रन और कर जाते और 300 कर देते तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग पाकिस्तान ने अपने हक में बना लेना था। 2 में से 2 मैच क्या बांग्लादेश जीत सकता है, अगर वो जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उनकी सीरीज होगी और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज ले बैठेगी कि वो गलती अब नहीं कर सकते। और जब इस ध्यान से आप खेलें, इस माइंडसेट के साथ खेलें कि मुझसे गलती हो गई तो स्लिप हो जाएगा मैच और हाथ से निकल जाएगा, तो फिर आप गलती करते ही करते हैं। रिदम नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, पैचेस में ठीक है, एक पेयर अच्छा खेलते हैं, 2-3 पेयर आगे जाके वो ठीक नहीं खेलते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। और ऐसी अगर आपने पिच बनानी है तो फिर आपको बैटिंग भी उसी हिसाब से करनी है क्योंकि अगर आप जल्दी आउट हो जाएंगे तो मकसद फौत हो जाता है इसी पिच का। अगर हमारे फास्ट बॉलर नए बॉल से भी आउट नहीं कर सके इस पिच के ऊपर तो फिर इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है। 2 दिन बाद आओ 3 दिन बाद आओ मुझे लगता है 15 दिन बाद तो ये यही सूरत हाल मिलेगी, तबाह हाल मिलेगा, जो मिलेगा बजावा मिलेगा, डूब के नहीं मर सकते तो भाई चुल्लू भर पानी में। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 14 इनिंग 15 इनिंग से कुछ नहीं हो जाता, ये जहनी तौर पे यहाँ से बैकफुट पर है ये, समझे नहीं यार। रावलपिंडी में तुम फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हो।